दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जितनी बड़ी सिटीज रहती है वहाँ पे अपने को फ्लैट का स्पेस या अपार्टमेंट का स्पेस उतना छोटा मिलता है, इस कारण से किचन की साइज भी छोटी रहती है। ऐसे में हमारे दिमाग में रहता है कि हम किचन में कौन सी कलर स्कीम काम में लेने कि अपना किचन का परसेप्शन बड़ा लगे, यानी कि किचन दिखने में बड़ा नजर आए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर। अगर आपका किचन भी छोटी साइज का है, 60 से लेकर के 100 स्क्वायर फीट तक का है, उसके अंदर आप कलर चूज करने जा रहे हैं तो कौन सा कलर स्कीम सेट करें, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, चाहे वो कैबिनेट्स के लिए हो, वॉल के लिए हो या फिर काउंटर टॉप के लिए, इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो। हम ओवरऑल कलर स्कीम आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए कलर सिलेक्शन करते टाइम, ताकि आपका किचन दिखने में बड़ा नजर आए, चाहे वो एरिया स्पेस वाइज छोटा हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों जो सबसे पहला गोल्डन रूल है छोटे किचन साइज के लिए वो ये कि आपको लाइटर कलर्स यूज करने हैं, डार्क कलर्स यूज नहीं करने हैं। ये हमारा बेसिक एक ग्राउंड रूल है। इसके बेसिस पे हम आगे की कलर टिप्स आपको देंगे कि क्या क्या कलर्स आप कैसे कैसे यूज करने हैं, लेकिन जो हमें बेसिक बात ध्यान रखनी हुई है कि हमें लाइट कलर्स ही काम में लेना है छोटी किचन के अंदर। उसका रीज़न ये दोस्तों, जो लाइट कलर्स रहते हैं वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे में आपकी किचन की साइज़ बड़ी नज़र आती है। साथ ही जो लाइट कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स की जो वॉल रहती है, लाइट कलर का जो फर्नीचर रहता है, वो थोड़ा सा दूर नज़र आता है कंपैरेटिवली, तो इसलिए भी आपका जो किचन है वो बड़ा नज़र आएगा। तो सबसे पहला ग्राउंड रूल ये हो गया कि हमें लाइट कलर्स ही काम में लेने हैं। अब उसको किस किस तरह से काम में लेना है वो हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहला और जो मेरा फेवरेट है, अगर आपका किचन छोटी साइज़ का है तो ऑल वाइट थीम है। आप अपने किचन के वॉल्स के कलर से लेकर के कैबिनेट्स का कलर, शेल्फ्स का कलर, विंडोज़ का कलर, सब कुछ वाइट रख सकते हैं। इस केस के अंदर कोई बाउंड्री आपके किचन के अंदर नहीं नज़र आएगी, मतलब कोई दो वॉल्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रास्ट नज़र नहीं आएगा, तो वो किचन अपने आप में बड़ा नज़र आएगा। ऐसी किचन जो रहती है वो अगर आपकी 65-70 स्क्वायर फीट तक है, 80 स्क्वायर फीट तक की किचन है, वो भी काफ़ी बड़ी नज़र आती है अगर आप सारे चीज़ें वाइट ले लेते हैं। जैसा कि आप मेरे साइड में फोटोज़ में देख पा रहे हो, जो वाइट कलर की रहती है स्मॉल साइज़ की किचन, वो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैक स्प्लैश भी हो या काउंटर टॉप, अपने को सभी को वाइट और आइवरी के थीम में ही प्लान करना है, ताकि आपका किचन का स्पेस वाइडर और बड़ा नज़र आए। तो सबसे पहला जो हमारा कलर टिप हो गया, अगर आपकी किचन छोटी है तो वाइट कलर आप जा सकते हो, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, वो अच्छा ही दिखेगा। दोस्तों अगर आप वाइट को लेकर के कॉन्शियस हैं तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स भी आप ले सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक पैलेट को यूज़ करके आप अपनी कलर सिलेक्शन चूज कर सकते हैं। पैलेट बेसिकली देखो, आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इस तरह का होता है जिसके अंदर हमें जो एक मेन कलर है उसके सारे शेड्स, टिंट एंड टोन्स दिखाए जाते हैं, यानी कि उसके सारे शेड्स उसके अंदर हमें पता लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि मान लो आपको फर्नीचर का कलर सेलेक्ट करना है किचन के लिए, तो गोल्डन रूल तो ध्यान रखना है, यानी कि मेन कलर अपने को जो है लाइटर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करना, और उसी के नियर बाय जो कलर्स हैं पैलेट के अंदर वो अपने को बाकी चीज़ों में काम में लेने हैं, चाहे वो काउंटर टॉप हो, चाहे वो आपका बैक स्प्लैश एरिया हो, फ्लोरिंग हो या फिर वॉल के कलर्स हो, उसी के आसपास के जो शेड्स हैं उसी कलर पैलेट के, वो अपने को बाकी के चीज़ों में काम में लेने। तो ऐसे में जो किचन निकल के आएगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और छोटी किचन होने के बाद भी वो बड़े होने का लुक देगी। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप मेरे साइड में ऐसे कुछ मैं इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ किचन के, जिनके अंदर सेम पैलेट के कलर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, और उनके किचन का स्पेस छोटा होने के बाद भी वो किचन काफ़ी सुंदर नज़र आती है। तो दोस्तों हमारी सेकंड जो हमारी टिप है वो ये कि आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम काम में लें, सेम पैलेट के कलर जो हैं अपने अक्रॉस द किचन में जो भी काम आने वाली चीज़ें हैं उनमें यूज़ करें, तो आपकी किचन बड़ी नज़र आएगी। दोस्तों अगर आप मोनोक्रोमेटिक और वाइट नहीं लेना चाहते हैं तो अपने पास लो कॉन्ट्रास्ट थीम भी अवेलेबल है। लो कॉन्ट्रास्ट स्कीम का मतलब ये होता है कि अपने को कॉन्ट्रास्ट तो देना है, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर को काम में लेना है, लेकिन दोनों ही कलर जो हैं वो बोल्ड नहीं होने चाहिए, लाइटर कलर्स ही अपने को लेना है, पहली चीज़ ये हो गया। और अपने को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो अपन दो शेड ले रहे हैं वो कलर व्हील में आसपास के कलर्स हों। जो बेसिकली कलर व्हील होता है दोस्तों, जैसे आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, उसके अंदर तीन मेन कलर होते हैं, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स रहते हैं तीन, और बाकी छह टर्शरी कलर्स रहते हैं। इसी तरह का कलर व्हील हर एक कलर के लिए अवेलेबल रहता है। तो अपने को क्या करना है कि जो मेन कलर अपन ने लिया उसी के कॉन्ट्रास्ट का जो आसपास का कलर व्हील में कलर है, या तो नेक्स्ट कलर हो या उसके पिछला कलर हो, वही अपने को कॉन्ट्रास्ट में लेना है, और उसी कलर को अपन जो है बाकी की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन के कैबिनेट्स के अलावा वॉल्स के लिए, या फिर आपकी जो बाकी के कर्टन्स फैब्रिक हैं या फिर काउंटर टॉप है उसके लिए अपन नेक्स्ट कलर ऑफ कलर व्हील को काम में ले सकते हैं। इस तरह की जो कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट स्कीम रहती है वो भी छोटे किचन के लिए अच्छी रहती है। उसमें भी आपका किचन के अंदर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नज़र नहीं आती और किचन का स्पेस बड़ा नज़र आता है। इस तरह की कुछ किचन की फोटोज़ मैं आपको अपने साइड में फोटोज़ में भी दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हमने लो कॉन्ट्रास्ट स्कीम यूज़ करके अपने किचन का 3D बनाया है, जो आप देख सकते हो किचन की इमेजेस हैं।
उसमें आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से छोटे से स्पेस को भी किचन में अच्छा बड़ा लुक नजर आ रहा है। दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप न्यूट्रल कलर्स काम में ले लीजिए, सिंगल कलर बनाइए, न्यूट्रल कलर्स बना लीजिए। न्यूट्रल कलर्स का मतलब होता है जो कलर्स ऐसे हैं जिनकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है, यानी कि जो म्यूटेड कलर्स भी बोला जाता है इनको, यानी कि वो खुद दबे हुए कलर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह की लाइट इफेक्ट रहता है उसके हिसाब से उनकी जो है इंटेंसिटी डिसाइड होती है। तो जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बीच कलर होता है, ग्रे होता है, क्रीम होता है, वाइट होता है, ये सब जो है न्यूट्रल कलर्स में आते हैं, ब्राउन भी वन न्यूट्रल कलर में आता है। तो ऐसे जो कलर्स हैं जो लाइट इफेक्ट के साथ में थोड़े से चेंज होते हैं, इन कलर्स को अपन अपनी किचन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई वॉइस नहीं होती, यानी कि ये खुद आपस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे कलर काम में लेने से आपकी किचन का जो स्पेस है वो उनके ऊपर फोकस नहीं होगा और वो किचन आपकी बड़ी नज़र आएगी। तो इस तरह के मैं आपको कुछ किचन के जो शेड्स हैं, जो कलर्स आप काम ले सकते हो, मैं आपको कैटलॉग में भी दिखा देता हूँ, जो कि मेरिनो का कैटलॉग शेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैटलॉग आपके लिए मंगाया मैंने, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आपके शेड्स हैं ये सब न्यूट्रल कलर्स हैं, लाइट ग्रे हो गया, ये सारे न्यूट्रल कलर्स हैं सर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये इधर वाले भी ये न्यूट्रल कलर्स में आते हैं, ये भी आपके न्यूट्रल शेड्स हैं, ये यहाँ तक ब्राउन तक न्यूट्रल शेड्स हैं सारे के सारे। इसके अलावा ब्लू के भी शेड्स न्यूट्रल वाले हैं, ये वाले है ना। तो ये जो है अपन ले सकते हैं, तो ये वाला जो आप पैटर्न है इसको यूज़ करके भी अपने किचन को बना सकते हो, तो आपका किचन जो है वो अच्छा लगेगा न्यूट्रल कलर्स काम में लेने से। दोस्तों अगर आप इन सब में आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और आपको ब्राइटी कलर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए भी एक टेक्निक है जो आप काम ले सकते हो। बस इसके लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी किचन मिनिमम 70-80 स्क्वायर फीट की तो होनी चाहिए। ऐसी अगर आपकी किचन की साइज़ है तो आप सिंगल ब्राइट कलर शाइनी फिनिश में, यानी कि ग्लॉस फिनिश में ले लीजिए। तो क्योंकि जो शाइनी फिनिश रहती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, तो ऐसे में अगर आप वो वाला सिंगल ब्राइट कलर ले लोगे तो भी आपकी किचन सुंदर दिखेगी। मैं आपको कुछ इमेजेस किचन की अपनी साइड में दिखा देता हूँ जो कि ब्राइट कलर में बनी हुई है लेकिन ग्लॉस फिनिश में होने के कारण सुंदर नज़र आ रही है। इस तरह की जो इमेजेस हैं किचन की वो आप देख पा रहे हो। अगर आप ये रेड कलर का शेड ले रहे हो या फिर आप मान लीजिए बाकी येलो ले रहे हो या फिर जो बाकी के ब्लू शेड्स रहते हैं वो अच्छे अपने लगते हैं, अगर ब्राइट भी है लेकिन वो ग्लॉसी फिनिश में अपने को लेने हैं, बस इतना ध्यान इसमें रखना रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको है ना कलर शेड जो है वो कैटलॉग के अंदर भी दिखा देता हूँ जो कि इस तरह के कलर्स ले सकते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ये जो ग्लॉस फिनिश के अंदर जो कलर्स हैं ब्राइट कलर्स में, चाहे वो रेड हो, मरून हो, ग्रीन हो या फिर बाकी के जो अपने कलर शेड्स हैं, इनको अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ पे और भी शेड्स हैं, ब्लू के भी शेड्स हैं, ग्रीन के भी शेड्स हैं, ये अपन काम में ले सकते हैं। बट कंडीशन वही है कि आपकी किचन साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो, मीडियम साइज़ हो, और जो दूसरी चीज़ है वो है कि हमें सिंगल कलर ही काम में लेना है, ज़्यादा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट नहीं डालना, सिंगल कलर काम में लेना है। तो इस तरह की कलर स्कीम भी आपकी छोटे किचन को एनहांस लुक देने में काम आ सकती है और बढ़िया लग। दोस्तों अब मैं आपके साथ दो तीन छोटी छोटी टिप्स और शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो भी वॉल्स बनानी है अपने किचन के अंदर वो सेम ही कलर की बनानी है, उनमें कोई कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं देना, लाइट कलर होनी चाहिए और सेम ही कलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन एक वॉल दूसरे कलर की हाईलाइट करने के लिए बना दी। अगर आपका स्पेस छोटा है तो वो उस किचन के अंदर वो उसको बाउंड्री क्रिएट कर देगा और जो आपका विजुअल्स है मतलब जो आंखें हैं आपकी उसी के ऊपर जाएगी और वहाँ पे ऐसा लगेगा कि किचन का साइज़ छोटा हो रहा है। तो अगर छोटी साइज़ की किचन है तो हमें सिंगल ही कलर काम में लेना है, चाहे वो आपकी सीलिंग हो और चारों वॉल्स हो, सब पे सेम कलर काम में लीजिए, तो कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, क्योंकि किचन का स्पेस बड़ा नज़र आएगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि अगर आपका किचन छोटा है तो आप ट्राई कीजिए आप उसको ओपन किचन बनाइए। ऐसे में ओपन किचन होने से क्या डाइनिंग एरिया को आप किचन के साथ कंबाइन करेंगे तो किचन का स्पेस थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आपको जो डाइनिंग एरिया का कलर है वो भी आपकी किचन के कलर से ही मैच कराना है, यानी कि वॉल का जो कलर है वो सेम ही रहना चाहिए, वो अलग अलग नहीं रहना चाहिए, ताकि वो स्पेस जो है वो एकू नज़र आए, सिंगल स्पेस नज़र आए और बड़ा नज़र आए। और दोस्तों तीसरी जो हमारी मेन चीज़ है वो ये कि लाइटिंग का प्रॉपर यूज़ करना है। किचन फर्नीचर के अंदर काफ़ी सारे तरह की अलग अलग लाइट्स होती है, उसके ऊपर हमारा पूरा वीडियो डिटेल में अवेलेबल है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आई बटन भी आपको नज़र आ रहा है। किचन लाइटिंग आपको प्रॉपर रखनी है, अगर आपकी किचन की साइज़ छोटी है तो लाइट एक दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो आपकी किचन की साइज़ को बड़ा नज़र कराने में, बड़ा दिखाने में हेल्पफुल रहेगा। कलर और लाइट दोनों को अगर आप अच्छे से कॉम्बाइन करोगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी किचन छोटी होने के बाद भी अच्छी बन सकती है, बड़ी नज़र आ सकती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी कलर टिप्स के ऊपर। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, आप अपने किचन का 2D 3D डायग्राम बनवाना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं कलर स्कीम को लेकर के, तो उसके लिए हमारी ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, जो आप अवेल करके अपने किचन की साइज़ के अनुसार और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने किचन की 2D और 3D में ड्राइंग्स डिज़ाइंस करवा सकते हो। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
दोस्तों इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, उसको भी आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे किचन के 3D और इमेजेस आपको नजर आएगी, जो आप अपने किचन को कलर स्कीम को डिज़ाइन को सेलेक्ट करते टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है दोस्तों आपका चैनल पे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, 96,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 4,000 शॉर्ट हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और हमारा जो ये 1 लाख का टारगेट है इसको अचीव करने में आपकी जो भी हेल्प आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।